क्रिकेट की चमकती हुई दुनिया में छुपी वो कहानियाँ और सच्चाइयाँ जो दिल दहला देती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की इंसानी आंखों को चुल्हा देने वाली रोशनी के पीछे छुपी ये तारीख सच्चाई कम ही सामने आती है। It just was a very, very grey moment in our cricket history. I'd like to forget it, but I can't. Obviously, that was something that hurt us for a long, long time. ये कहानी एक ऐसी हकीकत की है जो आम तौर पर नजर से ओझल ही रहती है। हमने अक्सर पाकिस्तान टीम को हारते हुए देखा है, लेकिन कभी कभी ये हार सिर्फ मैदान पर नहीं होती। सियासत, मफादात और जाती अना के खेल में वो खिलाड़ी पसे पर्दा रह जाते हैं जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। नौजवान खिलाड़ियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं जब वो सियासत और मफादात के जाल में फंस जाते हैं। ये दास्तान उन लोगों की है जो मेहनत और लगन से खेलते हैं, मगर इनका हक छीन लिया जाता है। ये कहानी इन अंधेरी राहों की है जहां सच्चाई का गला घोंटा जाता है और झूठ को हिलाया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट की चमक के पीछे छुपी इस तारीख हकीकत को जानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर आसान नहीं लेकिन जरूरी है। पाकिस्तानी क्रिकेट एक रिच हिस्ट्री से भरी हुई है जिसमें कुछ कामयाबियां शामिल हैं, जैसा कि 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप, 2000 और 2011 का एशिया कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और काफ़ी और कामयाबियां। लेकिन कामयाबियों के अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए क्रिटिसाइज भी हुई है। जहां ये टीम चैंपियन रही है, वहीं पर बहुत सारी जगहों पर जाती अनाओं का शिकार भी हुई है। इसके अलावा इसकी मेन मिसमैनेजमेंट और प्लेयर्स की ट्रांसपेरेंसी में हमेशा से इश्यूज पाए गए हैं। तीन मेन इश्यूज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामी की बुनियाद है। नंबर एक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नंबर दो, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। और नंबर तीन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की जाए तो हमेशा से ये देखने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन लगाया जाता है वो पॉलिटिकल ताल्लुकात की बेसिस पर लगाया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी नई गवर्नमेंट के आते ही पुराना चेयरमैन, अगरचे वो अच्छा काम नहीं कर रहा हो, उसे हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ सियासी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ऐसे चेयरमैन को भी लगा दिया जाता है जिसे क्रिकेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा मसला है नेपोटिज्म। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है तो इसे हटा दिया जाता है और इसकी जगह किसी ऐसे प्लेयर को लाया जाता है जिसे क्रिकेट की इतनी समझ तो नहीं होती पर इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसा कि जमान खान, मोहम्मद आरिफ को हटा दिया गया। यहाँ तक कि मोहम्मद इब्रार को 3 टूर्नामेंट्स में लेकर जाया गया मगर एक मैच भी नहीं खिलाया गया। नेपोटिज्म की वजह से बाज़ औक़ात टैलेंटेड लड़के भी टीम में सेलेक्ट नहीं किए जाते और नतीजा टीम की हार की सूरत में निकलता है। तीसरा और सबसे अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान में बड़े से लेकर छोटे तक हर लेवल पर करप्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बोर्ड का फाइनेंशियल निज़ाम डिस्टर्ब होता है और बोर्ड के साथ साथ टीम की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे बड़ा और बदनाम जमाना स्कैंडल 2010 में सामने आया, जब इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाया गया। इस स्कैंडल ने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। सलमान बट जो इस वक्त टीम के कप्तान थे और दोनों तेज बॉलर्स को सजा दी गई। इस वाक़े ने ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट की साख को मुतासर किया बल्कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक इबरतनाक मिसाल भी कायम की। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में करप्शन के इल्ज़ाम भी कोई नई बात नहीं है। माजी में मुख्तलिफ चेयरमैनों पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। PCB के फंड्स का गलत इस्तेमाल, गैर शफाफ फैसले और ज़ाती मफादात की तकमील के लिए क्रिकेट के मामलों में मुदाखलत जैसे मसाइल ने इदारे की साख को बुरी तरह मुतासर किया। क्रिकेट की तरक्की के लिए मुख्तस रकम का ज़ाया होना भी हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। इसका डिसिप्लिन और इनके दरमियान कैप्टनसी को लेकर हमेशा से इख्तलाफात देखने को मिले हैं और इन इश्यूज़ ने टीम के परफॉर्मेंसेस को भी डैमेज किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अक्सर लड़ाइयों और ग्रोहबंदियों का शिकार रही है। टीम के अंदर मौजूद ग्रुप अक्सर इलाकाई, लसानी या ज़ाती वफादारियों की बुनियाद पर बनते हैं।
जो टीम की बॉन्डिंग को मुतासर करने वाली तकसीम का बायस बनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी भी हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि कप्तान की हैसियत से काम करने वाले अफराद को अक्सर टीम और बोर्ड के अंदर होने वाली ताकत के हुसूल की कश्मकश के नतीजे में कुर्बान कर दिया जाता है। माजी में कप्तान और खिलाड़ियों के दरमियान तनाव की खबरें भी आम होती रही हैं। इमरान खान और जावेद मियादाद के दरमियान इख्तलाफात, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान तनाजात, वसीम अकरम और वकार यूनिस के झगड़े और अब की बार बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लड़ाइयाँ टीम की कारकर्दगी पर मनफी असरात डाल रही हैं। इन इख्तलाफात की वजह से टीम की बॉन्डिंग मुतासिर होती रही है। इन सब बातों के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस की तकरारी और इनकी मुद्दत मुलाजमत में अदम इस्तेहकाम भी पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा मसला रहा है। हर कुछ अरसे बाद कोचेस की तब्दीली और इनके साथ होने वाले तनाज़ात ने टीम की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। कोचेस को वक्त पर ना हटाने या इनकी तकरारी में सियासी मुदाखलत ने टीम की तरक्की की राह में रुकावट डाली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के मसाइल भी हमेशा से मौजूए बहस रहे हैं। सियासी दबाव, जाती मफादात और पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब टीम की कारकर्दगी को मुतासिर करता रहा है। कई बासलाहियत खिलाड़ी महज सिलेक्शन के गलत फैसलों की वजह से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर पाए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा अहम मसला है बुकीज़ और माफिया की टीम में इन्वॉल्वमेंट। मुख्तलिफ औकात में खिलाड़ियों को बुकीज़ के साथ रवाबित के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। इन अनासर की मौजूदगी ने ना सिर्फ खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासर किया, खेल की साख को भी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम के राज भी अक्सर मीडिया पर आते रहे हैं। खिलाड़ियों के आपस में झगड़े, कोचेस के साथ तनाज़ात और टीम मैनेजमेंट की गैर जिम्मेदाराना फैसले मीडिया की जीनत बनते रहे। इन मसाइल ने टीम की कारकर्दगी को मुतासर किया और क्रिकेट के शायकीन को मायूस किया। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ अहदेदारों और तरक्की में सियासी मुदाखलत, टीम के सिलेक्शन में सियासी दबाव और खिलाड़ियों के इंतखाब में सियासी असरात ने क्रिकेट की तरक्की की राह में रुकावट डाली है और इस गंदी सियासत ने क्रिकेट की रूह को बुरी तरह मजरू किया और पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज खेल को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचाया। देखिये, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के तारीख राजों से पर्दा उठाना तमाम पाकिस्तानियों के दिल की धड़कनों को तेज़ कर देता है, क्योंकि ये वह मकाम है जहां शायकीन की उम्मीदें और ख्वाब बिखर जाते हैं, जहां वतन की इज्जत को दाग लगता है। क्रिकेट जो कि पाकिस्तानियों का कौमी जुनून है, इसमें शामिल साजिशें, बदनवानियां और मैच फिक्सिंग की कहानियां इनके दिल को चीर कर रख देती हैं। जब इनके हीरोज, जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले शायकीन अपनी जिंदगियों का हिस्सा समझते हैं, इन सियाह कारनामों में मुलव्वस पाए जाते हैं तो इनके दिल टूट जाते हैं। इन राजों की नकाब कुशाई ने पाकिस्तान के कौमी फखर को शदीद धचका पहुंचाया है। खिलाड़ी जिन्हें पाकिस्तान ने बचपन से हीरो माना, जब वो दौलत और शोहरत की लालच में आकर क्रिकेट की रूह को मजरूह करते हैं तो ये सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि कौम की इज्जत का मामला बन जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट के निज़ाम में मौजूद ये बदनवानियाँ इस खेल की मासूमियत को ख़त्म कर देती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ाम में मौजूद ये बदनवानियाँ इस खेल की जेंटलनेस को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तानियों ने पूरी हिम्मत और हौसले के साथ इन तारीख सच्चाइयों का सामना करना है और अपनी क्रिकेट को साफ और शफाफ बनाना है। तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनके खिलाड़ी एक बार फिर ईमानदारी और मेहनत से काम करके इनका सर फख्र से बुलंद करें और वो वक्त वापस आ सके जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौमी पहचान थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।